अपने जिले की हर एक खबर से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हजारिया टाइम्स को। पाली में निकले 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज। शुक्रवार को तहसील परिसर में रैपिड एंटीजन टेस्ट शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसमें तहसील परिसर में संचालित एक फोटोकॉपी दुकान की संचालक कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिससे तहसील परिसर में हलचल मच गई। लोगों ने खुद आकर कोरोना टेस्ट कराए, जिसमें 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पाली उप स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक डीपी निरंजन, डॉक्टर प्रदीप कुमार, एलटी वीरेंद्र कुमार, एएनएम रागनी गुप्ता ने रैपिड एंटीजन टेस्ट शिविर में 149 लोगों का परीक्षण किया, जिसमें नगर पंचायत के कर्मचारियों, तहसील के कर्मचारियों के अलावा अन्य लोगों ने अपना परीक्षण कराया, जिसमें संजीव पुत्र महेंद्र कुमार चौरसिया उम्र 36 वर्ष, घनश्याम दास पुत्र शंकरलाल चौरसिया उम्र 49 वर्ष, पाली में कार्यरत एलआईयू विभाग के उदय नारायण तिवारी पुत्र गोपाल दास उम्र 56 वर्ष कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिव मरीजों को क्वारंटाइन के लिए भेज दिया गया है। पाली से हरिओम चौरसिया की रिपोर्ट। हरी राम हो गई।